नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और टीवी टुडे इंडिया पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं समस्या मथुरा के विश्व लक्ष्मी नगर स्थित आकाश नगर की। जी हां, इन दृश्यों में आप जो देख रहे हैं उनके संबंध में हम बातचीत कर रहे हैं वहां के निवासी लावण्य कौशिक और दुर्गा प्रसाद तिवारी जी से। सबसे पहले लावण्य जी, आप बताइए कि क्या समस्या है ये और क्यों है ये समस्या आपके? सती साहब, ये एक विश्वलक्ष्मी नगर आकाश नगर जुड़ा हुआ है। गोवर्धन चौराहे से एक सड़क आती है आकाश नगर विश्वलक्ष्मी नगर को। इसे अभी डूडा विभाग द्वारा बनवाया गया था, एक महीना हुआ नहीं है, सड़क तहसने से हो गई पहली बारिश में ही। जो पीछे से पानी जो आ रहा था, जो केमिकल युक्त पानी है, वो पानी नालियों के से निकलता हुआ गोवर्धन चौराहे तक पहुँच रहा था। तो जो डूडा विभाग ने नालियां बनाई हैं वो तहस नहस हो गई हैं, आपके फोटो में आ रहे होंगे इस समय। जी, ये समस्या है, मेन समस्या पानी गंदा भरा हुआ है और केमिकल पानी है जो घरों को नलों में आ रहा है। कोई भी जनहानि संभव है कभी भी, कहीं ऐसा ना हो जो आंडोर में हुआ है, 15 बत्ती हुआ उस कांड में, जिस तरह आंडोर में पीने के पानी को लेकर काम हुआ है उससे 15 बत्ती ना हो जाए। ये इसलिए मैंने ये सभी जगह इसके पत्र भिजवा दिए गए। डूडा पीओ डूडा को भिजवाया है और लखनऊ भी भिजवा दिया सूडा को। जी, जिलाधिकारी महोदय को भी 19 तारीख को एक पत्र रिसीव करा दिया गया है। जी, और मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत डाली है इसकी। जी, वो कहते हैं पॉल्यूशन विभाग को लिखिए, तो पॉल्यूशन विभाग को भी लिख रहे हैं हम लोग। जी 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 जी, ये तिवारी जी से बात करिए। जी सर, जी बताइए तिवारी जी, आप क्या बताएंगे? सर जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ इतना प्रदूषण, पीछे से जो पानी आ रहा है फैक्ट्रियों का, केमिकल का, जो इसमें किसी ने आज तक और जो उनसे फैक्ट्री वालों से मैं 2 बार गया, उनसे बोला, बोले ये तो पहली आम वो है नाला निकलेगा और यहीं अगर निकलेगा पानी, कोई इसकी रुकावट नहीं है। और वो इतना गंदा पानी हमारी तरफ भेज रहे हैं, मेरे घर के पीछे 6 फुट पानी है और दरेर आ गई है सब। मेरे मकान के पीछे दरेर आ गई है सब, मेरा तो लाखों रुपए का मकान डैमेज हो जाएगा सर। जी जी, अब मैं तो मकान सर 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 मकान आ रहे हैं चपेट। जी जी, और सर मैं तो हनुमान जी और आप लोगों का आशीर्वाद से बच रहा हूँ, नहीं स्थिति बहुत खराब है सर। अच्छा, हाँ सर, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी थोड़ा सा सहयोग मिल जाए तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाए। मकान अभी दीवार बनाने में हालत खराब हो जाती है सर, महंगाई में। जी जी, और हमारी कोई नहीं सुन रहा है, हमने पहले भी ऊर्जा मंत्री जी पे भी ये हमने फिल्म बना के डाली थी, उन्होंने बिल्कुल 0% इस पर कार्रवाई नहीं करी है। अच्छा अच्छा, और मैं उनको उनके उसको भी दिखा चुका हूँ कई, मैं फोटो और वो भेज चुका हूँ सर। अब हमने मुख्यमंत्री से लेके DM से लेके ऊर्जा मंत्री से लेके सबको सूचना दे दी है, डूडा से नगर निगम से, लेकिन कोई बिल्कुल ये नहीं समझ रहा है कि इनके लिए ये परेशानी, थोड़ा बहुत तो हम इसमें कोई देखने तक नहीं आता है। जी, इसमें हमारे ये कौशिक जी हैं, बहुत इन्वॉल्व हैं, ये बेचारे रात और दिन इसकी समस्या को समाधान के लिए हर जगह कार्रवाई करा रहे हैं। जी जी जी, और एक टेंशन सर मेरी बनी रहती है। जी, और यहाँ में 2-3 तो गऊ मर गई थी हमके, इतना काला पानी है, इतना काला हमारी दूरन पर काला पानी के निशान बन रहे हैं, पूरी कॉलोनी में पानी आ गया था। कल परसों बरसा हुई थी, कौशिक जी के मकान के सामने कम से कम 2-2 फुट पानी था। जी हाँ, मनोज और लावण जी और मुकेश जी तीनों के घर के सामने पानी और काले पानी के निशान पूरी ईंटों पर बने हुए हैं सब सर। अच्छा, हाँ सर, स्थिति इतनी खराब है कि नाली में बिल्कुल सीमेंट ही नहीं लगा है, अगर 1% नाली भी सही बनती तो पानी नहीं भरता, पानी सही निकल जाता सर। जी, नाली है कि निर्माण ऐसा किया है जो बिल्कुल रेत लगा लिया और तुरंत गिर गई एक बरसा में। तो अब आपकी जो डिमांड है वो नाली बनवाने की है या? हाँ, नाली बनवाने की, ये पानी रुकवाने की है, पानी का निकास हो जाए और पीछे की व्यवस्था बन जाए, पानी आवे ना भविष्य के लिए उधर से। जब नाली बन जाएगी तो भले ही पानी आओ, नाली से सीधा निकल जाएगा, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, अभी पानी बंद हो फिलहाल? हाँ, पानी बंद हो, ये नाली जो टूटी है ये सही हो, जिससे पानी पीछे से जो आ रहा है वो सीधा निकल जाए
आपकी कॉलोनी किस क्षेत्र में आती है, किस क्षेत्र में आती है, कौन सी ग्राम सभा लगती है यहाँ पर? इसकी भागलपुर भागलपुर लगती है सर हमारी, या ये जो है नगर निगम में तो नहीं आती? हाँ, नगर निगम में ही आती है सर। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर कौन सा पता है हमारा? वार्ड साहब, वार्ड साहब मुझे पता नहीं वार्ड नंबर कौन सा आता है। एक गणेश राव के हैं, इनके बाह में आता है। सवाल सर जी, इनके बाह में आता है। मनोज जी हैं, मनोज, अभी हमने उनसे कहा था तो उन्हें तो भंगी लाए थे, ने पूरा कर निकलवाया था। हाँ जी, ठीक है अंकल, बहुत है। जी जी सर, कैसे भी सर आपका बड़ा सहयोग रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें बिल्कुल कराओगे सर। देख लीजिए सर, हमारी और लावण्य कौशिक विश्व लक्ष्मी नगर गोवर्धन चौराहे पर जो स्थित है, वहाँ के बाशिंदे कह रहे हैं ये कि उनके यहाँ पानी आता है केमिकल युक्त फैक्ट्रियों का, जिससे उनके यहाँ बनी हुई सड़क ढह गई है और नाली भी टूट गई है। नाली और ये सड़क जो है वो डूडा द्वारा हाल में ही बनवाई गई है और इनका जीना दुश्वार है, जल भराव है। जी, जी, और जी, जी, ये बहुत ही परेशान है। जो मौके पे, मौके पे जांच कर सकते हैं, जो मौके पे मायने जांच कर सकते हैं, लोगों को करना चाहिए। हम तो बस गोवर्धन चौराहे से एक रोड 40 फुटा अंधा कॉलोनी में आ रहा है। इसे अभी कुछ दिन पूर्व ही डूडा विभाग द्वारा बनवाया गया था और इसमें इतनी घटिया सामग्री लगाई गई है कि बनने कुछ दिन पश्चात पहली बारिश में ही, ये आप देख रहे होंगे, पहली बारिश में ही इसको तहस नहस हो गया है और इस समय पानी से पूरा मकान जलमग्न है। ये आप देख रही है, पानी से पूरा मकान जलमग्न है। मेरा आपसे केवल यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द नाली का निर्माण कराया जाए और सड़क के गड्ढों को बंद किया जाए और जो पीछे से केमिकल युक्त पानी आ रहा है, इस पानी की निकासी की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। अन्यथा हमारी बोरे गांव में ये पानी हमारे नलों में आ रहा है इस समय वर्तमान में कोई भी समस्या पैदा हो सकती है, जनहानि हो सकती है। आपसे केवल यही अनुरोध है जल्द से जल्द इस समस्या का छुटकारा दिलाया जाए। इस आशय का मैं एक पत्र हम कॉलोनी वासी जिलाधिकारी महोदय को और पीओ डूडा को दिनांक 19 तारीख को रिसीव करा चुके हैं, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं है। आपका नाम बताओ। मैं रविंद्र पाल सिंह, सब इंस्पेक्टर, इसी आकाश नगर कॉलोनी में रहता हूं। और ये जो अभी वकील साहब ने बताया है ये बिल्कुल सही घटना है और इसको कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है। ये जो पानी है, ये जो जहरीला पानी है, इससे हमारे पूरी बोरगांव में सभी पानी जहरीला जा रहा है, जिससे कि एक बीमारी जो कि संक्रामक बीमारी जो कि इसमें पैदा हो जाएगी और हमारी जो कॉलोनी पूरी पानी कहाँ से आ रहा है? फैक्ट्रियों से पानी आ रहा है, फैक्ट्रियों का जो पानी फिर फैक्ट्रियों से बंद कराया जाए ये और पानी की निकासी का उचित व्यवस्था करी जाए। इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा, काफी हम लोग प्रयासरत है इस कॉलोनी वाले, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। मैं दुर्गा प्रसाद तिवारी बोल रहा हूँ। जो हमारे आकाश नगर कॉलोनी लगती है इसमें पानी की भारी समस्या है। जो हमारे कौशिक लावण, डॉक्टर लावण कौशिक जी ने अभी बताया है, जो वो स्वयं वही मैं दोहराना चाहता हूँ कि पानी से मकानों के सारे सारे 5-5 फुट पानी लगा हुआ है। जो हम पहले भी जिलाधिकारी और प्रशासन शासन को नोट करा चुके हैं, जो आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं चाहता हूँ कि कैसे भी इस पानी का नाली का निर्माण कराया जाए और पानी को रोका जाए और पानी को निकासी बनाई जाए। और जो 6 महीना नहीं हुए, सड़क टूट गई, नाली टूट गई, सब धाराशाही हो गई, हम लोग बहुत हम सब परेशान हैं कॉलोनी वासी। अगर इसका समाधान कर सकें तो जल्दी कराएं, जिससे हम कॉलोनी वासी परेशान ना हो और हमारे सूत्र लगा हुआ जहरीला पानी से, जो अभी कल परसों बारिश हुई है, ये पानी सीधा घरों में गया और आज भी उनके निशान बने हुए हैं।